Hello friends. So topic is interest on drawing. Amount of drawing multiplied by rate of drawing divided by 100 into n. N ka matlab hai period of months. To understand this, table showing calculation of interest on monthly drawings. अब यहाँ पे आपको मंथ दे दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब सबसे पहले है बिगनिंग ऑफ मंथ। बिगनिंग ऑफ मंथ का मतलब है कि आपने जनवरी की पहली तारीख को ड्राइंग किया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा टिल 31 दिसंबर तक। तो अगर आपने जनवरी की पहली तारीख को अपना ड्राइंग किया है तो आपको दिसंबर 31 तक उसका इंटरेस्ट देना है, तो आपके पास कितने मंथ्स हैं? तो दैट मींस जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो दैट मींस कि आपको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम वे आपने फरवरी को विड्रॉ किया, ड्राइंग किया एक तारीख को, तो आपको फरवरी से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इन द सेम वे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 11 महीना हो गया। इन द सेम वे मार्च की पहली तारीख को विड्रॉ किया से लेके दिसंबर तक जाएंगे, इट विल बी 10। अप्रैल में अगर आपने फर्स्ट तारीख को विड्रॉ किया तो फर्स्ट अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के लिए आपके पास 9 मंथ्स है। इन द सेम वे मई से दिसंबर तक इज 8 मंथ्स, जून टू दिसंबर इज 7, जुलाई टू दिसंबर 6, अगस्त टू दिसंबर 5, सितंबर टू दिसंबर 4 मंथ्स, अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ्स, नवंबर टू दिसंबर 2 मंथ्स एंड दिसंबर में 1 मंथ। अब हम बिगनिंग ऑफ मंथ के 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का टोटल करेंगे एंड टोटल विल बी 78। सेम वे मैं मिडल ऑफ द मंथ का निकालूंगा। मिडल ऑफ द मंथ का मतलब है कि आपने जनवरी के मिडल में निकाला, मतलब कि आपने 15 जनवरी के आसपास आपने विड्रॉ किया। अगर आपने जनवरी की 15 तारीख को विड्रॉ किया तो 15 जनवरी से लेके दिसंबर 31 तक आपके पास टोटल विल बी 11.5 मंथ्स। मतलब टोटल जनवरी की पहली तारीख से लेके दिसंबर के 31 तक आपके पास कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब आपने 15 जनवरी को निकाला, मतलब 15 दिन गए, मतलब आधा महीना बचा, तो इसीलिए 11.5। इन द सेम वे 15 फरवरी से लेके दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपके पास 10.5, मिडल ऑफ द मंथ ऑफ मार्च में 9.5, मिडल ऑफ द मंथ अप्रैल से दिसंबर तक 8.5, मिडल ऑफ द मंथ मई से लेके दिसंबर तक में 7.5 एंड इन द सेम वे ये चलता जाएगा, दैट इज 6.5, 5.5, 4.5, सितंबर में 3.5, अक्टूबर से दिसंबर 2.5, नवंबर से दिसंबर 1.5 एंड 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक इज 0.5। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, 11.5 से लेके 0.5 तक का टोटल, सो इट विल गिव मी 72। इन द सेम वे हम एंड ऑफ द मंथ का निकालेंगे। तो एंड ऑफ द मंथ में ऐसा है कि आपके पास है जनवरी, तो जनवरी के 31 को आपने विड्रॉ किया पैसा, ड्रॉइंग किया, तो जनवरी तो पूरा चला गया। कहने का मतलब है कि 12 महीने से में से एक महीना तो पूरा निकल गया, तो आपके पास अब बचेगा क्या? देखा जाए तो सिर्फ आप 11 मंथ से बचेंगे। फरवरी के एंड में निकालोगे तो 10, मार्च में किया तो 9, अप्रैल के एंड में किया तो 8, मई के एंड में किया तो 7, जून के एंड में किया तो 6, जुलाई के एंड में किया तो 5, अगस्त के एंड में किया तो 4, सितंबर के एंड में 3, अक्टूबर के एंड से 2, नवंबर के एंड से 1 एंड दिसंबर के एंड से 0, क्योंकि दिसंबर में विड्रॉ किया। तो इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी 66। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ड्राइंग इज डन इन द बिगनिंग ऑफ मंथ,
देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 78 मंथ्स, जो आपने टोटल किया था। आपको याद ये रखना है कि अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो मुझे 78 मंथ्स याद रखना है, तो मेरा एन जो है दैट विल बी 78 डिवाइडेड बाई 12। नाउ इफ ड्रॉइंग इज डन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 72 मंथ्स, मेरा एन जो है वो 72 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। If drawing is done in the end of every month, then interest will be calculated for 66 months. तो इसीलिए मेरा जो n है, that will be 66 divided by 12 हो जाएगा। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि beginning of every month 78 by 12, middle 72 by 12, and end है तो 66 by 12। ये आपको याद रखना है for solving the question. हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज रुपीज 12,000। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द ईयर। सो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, दूसरा टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज रुपीज 12,000 एंड थर्ड इज 12% पर एनम माई इंटरेस्ट विल बी चार्ज। और फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द ईयर। सो माई टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज रुपीज 12,000। क्वेश्चन में लिखा था एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अब यहाँ पे ईच मंथ है क्वेश्चन में, इसलिए मैं मंथली ड्रॉइंग निकालूंगा। दैट इज रुपीज 12,000 विल बी डिवाइडेड बाय 12 विल गिव मी आंसर रुपीज 1,000। नाउ इफ पार्टनर हैज विड्रॉन आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ देन क्या होगा, तो मेरा एंड ऑफ ईच मंथ इसीलिए एन हो जाएगा 66 बाई 12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्रॉइंग डिवाइड बाय 100 इनटू एन। सो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज रुपीज 1,000। नाउ रेट ऑफ ड्रॉइंग क्वेश्चन में दे रखा है 12%, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू माय एन 66 बाय 12। So that comes to rupees 660 solve karne pe। Next question hai, question number 10। The closing capital of Raghuveer is rupees 80,000, in which rupees 12,500 drawing of the current year and profit of rupees 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? So, हमने 11th standard में balance sheet में liability side पढ़ा है। पहले आता है opening capital, interest on capital plus profit minus drawing minus interest on drawing, और वहां से मुझे मिलेगा closing capital। That means हम opening capital से closing capital find करते हैं। पर अब अगर हम question को ध्यान से पढ़े तो मुझे question में दिया है closing capital, drawing and profit दिया, और question में find करना है opening capital। So that means मुझे अब नीचे से ऊपर जाना। तो जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो जो मैंने minus किया है, that is minus drawing minus interest on drawing, जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो वो plus हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल, अब जो माइनस ड्रॉइंग है वो प्लस ड्रॉइंग हो जाएगा, जो प्लस प्रॉफिट है वो माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, एंड यहां से मैं फाइंड करूंगा ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन मी ऑफ रुपीज 80,000, वो हम लिख देंगे। ड्रॉइंग इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन 12,500, so 12,500। Now हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो 80,000 plus 12,500 का टोटल।
So your total will be 92,500. Now profit is also given to you. In question is 17,800. तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे. अब 92,500 में से अब माइनस करेंगे 17,800 रुपीस. तो वो आपको देगा ओपनिंग कैपिटल. सो ऑन योर कैलकुलेटर में आपको 92,500 माइनस 17,800 करना है. यस, सो यू विल गेट 74,700. सो आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइडेड बाय 100. सो आपका जो ओपनिंग कैपिटल है दैट इज 74,700 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट एट 6% पर एनम. क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 6 डिवाइडेड बाय 100. आप कैलकुलेटर पे काउंट करेंगे 74,700 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100 एंड दैट विल गिव यू 4482. दैट इज 4,482 रुपीज इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9. Total profit of the year of the firm is ₹68,000. Determine the share in profit of each partner. So I have three partners, Rajkumar, Kaushik and Sharma. So three partners ho gaye. Aur inka profit mujhe de rakha hai ₹68,000. So maine yahan pe profit bhi likh diya ₹68,000. Inka ratio diya hai 15:10:9. So, राजकुमार को अब प्रॉफिट कितना मिलेगा तो 68,000 मल्टीप्लाई. क्वेश्चन में देखोगे तो रेशियो दिया है 15:10:9. सो नाउ दैट मींस के राजकुमार का जो रेशियो है वो 15 है एंड दैट विल डिवाइड बाय 15 + 10 + 9 विल गिव यू 34 से. अब अपने कैलकुलेटर पे 68,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 34 से, तो आपको आंसर मिलेगा ₹30,000. सो दैट मींस राजकुमार का जो प्रॉफिट है वो ₹30,000 है फ्रॉम प्रॉफिट 68,000 में से. उसी तरीके से आप कौशिक का निकालेंगे तो कौशिक का है 68,000 मल्टीप्लाई बाय, अब कौशिक का रेशियो है 10 डिवाइडेड बाय 34. कैलकुलेटर से निकालेंगे तो यू विल गेट योर आंसर यस ₹20,000. तो ये कौशिक का हो गया. शर्मा 68,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 34 एंड यू विल गेट द आंसर ₹18,000. आपने जो आज थ्री सम देखे, सम नंबर 1 देखा, 10 देखा एंड 4 देखा, ये तीनों सम 3 मार्क्स के आते हैं बोर्ड के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट मोर वीडियोज नोटिफिकेशन इन फ्यूचर. फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी डायरेक्टली ऑन 7600828 286 96. Thank you.